मतलब हेयर आया मैंने लाइफ में आज तक ना पैर घर से बाहर अकेले नहीं निकाला मुझे लगता है। और मतलब मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं बीच में एयरपोर्ट से तो होटल नहीं गई। जवाब ही नहीं दिया पापा ने, इग्नोर कर दिया तेरे को, मेरे को भी पूछता ही नहीं। तूने बोला था क्यों बहुत क्यों, तो मैं भर भर बोलता रहा तेरे को, तेरे से तो इग्नोर तो करा ना पापा ने। चलो तो हुआ क्या, मेरे को भाई और पापा छोड़ने आए सुबह सुबह बस पे, मेरी 11 बजे की फ्लाइट थी तो बस पे छोड़ने आए और लाइट गई आयुष। अरे हुआ ये कि जब हम आए ना उसी टाइम जस्ट बस गई थी, तेरा आधा घंटा वेट करा फिर चली आई, तो फिर अब कोई भाई को मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा। तो कुछ वो तो पहले ही बोल रहा था मुझे छोड़ा, तो मैं सोची कोई बात नहीं मैं बस पे चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। मम्मी कपड़े धो रही है, मम्मी मैं नहीं जा रहा। सुबह सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट, सही सलामत वापस आ जाएगा है? सही सलामत वापस आ जाएगा क्या लैंड? देख ये चीज तो मेरे पास है, ये ऊपर उठ जाएगी तो मेरे को पता रहेगा कैसे सही सलामत आएगा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अमूल का कैफे यहाँ पे भैया ने बोला है कि यहाँ पे अमूल रेस्टोरेंट है। पहली बात तो मेरे ख्याल से दिल्ली और चंडीगढ़ में ये सब तो है नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा है, डोमिनोज वोमिनोज भूल जाओगे, तो मैं व्हाई नॉट ट्राई इट। तो मैं कैब वापस रिटर्न करा के मैं वापस वहीं जा रही हूँ अमूल रेस्टोरेंट। मतलब हेयर आया मैंने लाइफ में आज तक ना पैर घर से बाहर अकेले नहीं निकाला मुझे लगता है। और मतलब मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं बीच में एयरपोर्ट से तो होटल नहीं गई, मैं अमूल रेस्टोरेंट रुकी, मतलब तो है क्या। देखिए भैया ने तारीफ कर दी, मेरे वैसे भी वहाँ पे एक दो जो फ्रेंड्स है वो कहीं घूमने चले गए, तब मैं सोचा अकेले आए हैं तो थोड़ा नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो आई विल ईट अलोन टुडे एंड आई विल मेक वीडियो अलोन टुडे एंड आई विल ट्राई थिंग्स अलोन टुडे। तो मैं जा रही हूँ अंदर और मतलब बारिश हो रही है और मेरे पास ये दो बैग्स हैं, सारा टाइम भाई उठाता था, अब मुझे अपने भाई की कदर हो रही है, दो दो बैग है वो भी, इतने कपड़े क्यों लाई मैं, एक ही ले आती। चलो स्कूल वालों ने मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, पर हम जब उसके बटर को इतना प्रमोट कर देते हैं फ्री में तो फिर ये क्यों नहीं। ये देखो कितने सारे पिज्जा है यहाँ पे, तो आई विल ट्राई वन पिज्जा, इनमें से थिन क्रस्ट कर लेता हूँ, 4 चीज पिज्जा। हाँ हाँ चलो, मुझे एक टोकन मिला है यहाँ से 120 रुपीज़ का पिज्ज़ा, और अंदर ये भैया पैसे लेके अंदर सेटिंग के लिए, और ज़्यादा वैसे ये सस्ता है क्योंकि यहाँ पे 40 रुपये की कॉफ़ी कैपेचिनो आपसे मिल जाता है, मतलब
जिंदा का प्राइस भी अच्छा है भाई। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बैग लेकर आई हूँ, पहले मैं एक उठा के लाई इतनी दूर से, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, क्योंकि एक हाथ में पिज्जा भी था, किसी को भी नहीं छोड़ सकते थे। फिर एक एक थोड़ा 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 आगे ला ला के मैं लेकर आई हूँ, और मैं अंदर की जगह मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था कि मतलब पीछे ऐसे दिखे हमको, शूट करने का तो है नहीं, काश ट्राइपॉड ले आती, लोग मुझे सीखे देख रहे। तो चलो चलिए, फोर चीज पिज्जा थिन क्रस्ट, ठंडा हो चुका इतनी देर में लाते लाते। बस इस बच्चे को खिला देता हूँ, वाला पीस ले लेती हूँ, जो मेरा झूठा है वो बाकी दे देती हूँ। ये अभी खा लो, गरम गरम है। मैं एक काम करता हूँ, अपना बचा हुआ पिज्जा के स्लाइस खाता हूँ। मैंने दो खा ली, सुबह में से खा ही जाते क्योंकि अभी मुझे होटल में जाना, और मैंने रास्ते में भी खाया, सुबह तो मैं चार बार खाना खा चुकी हूँ बताया। अब मैं कैब बुक कर लेती हूँ, क्या ही करूँगी, सोच रही हूँ चाय भी लेती हूँ। अभी सिमरन जो मेरी फ्रेंड्स है वो तो अभी चार बजे तक आएंगे, रह गए सब तक कुछ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो आई एम थिंकिंग आई शुड हैव सम चाय, या तो मैं फूड बड़ी ढूंढ लेती हूँ जो मेरे साथ कुछ ट्राई करे। आई एम थिंकिंग ऑफ आस्किंग सम पीपल व्हिच इज सो रैंडम, मैंने कभी किसी से बात भी नहीं करी, मैं अभी अभी रास्ते में मैंने किसी से बात नहीं करी, मुझे बहुत शर्म आती है। चलो मैं ट्राई करती हूँ। Book the cab again. Finally. Sona hai, mujhe sona hai. आ गई यहाँ पे, शार ले लिया, तो मैं एक बार रूम दिखाती हूँ क्या है दिस इज। इतना बड़ा शीशा भाई साहब। फिर उसके बाद ये मैंने लंच ऑर्डर करा क्योंकि लंच का टाइम खत्म हो गया था, तो मुझे भूख लगी थी, तो सैंडविच सोचा यही खा लेते लाइट सा, इतना सारा भेज दिया। फिर उसके बाद लगेज, सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया, बेड, और ये बहुत ही सुंदर बालकनी है इस रूम की, ये देखो इतनी बढ़िया, और क्या साफ बाहर से व्यू, फ्रंट में जैसे जब जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, मैं एक मिनट नहीं सो पाती, मैं स्ट्रेस हो, पहले दिन सो नहीं पाती, फिर दूसरे दिन सोचो कि जितने भी आगे दिन होता तो मेरी पूरी तो अभी तो यही ककंबर को कैसे फैंसी तरीके से काटा हुआ है। नेवर एंडिंग इंट्रोडक्शन लेके भाई सुन, आज ना सबसे बातें कर लेते, फिर कर इंट्रोडक्शन देने में शर्म नहीं आएगी। आपको पता था हम ना बस में ट्रैवल करेंगे ना, मुझे ना स्कूल ट्रिप की बहुत बहुत याद आने वाली है, ऐसे वो ट्रिप जो मैंने सिर्फ सपने में करी थी, क्योंकि मैंने पापा ने कभी भेजा ही नहीं। खुशबू है उस साथ की, खुशबू है गुजरात की, गुजरात की यादों का तारा। अमिताभ बच्चन इन ऑल प्लेसेस, पता है अमिताभ बच्चन के कच्छ के बीच में व्हाइट कपड़े पहने हुए, व्हाइट सूट ले आई, व्हाइट व्हाइट मैच कर रहा था, और गीत फॉरेस्ट में ब्राउन का कपड़ा,
स्कूल के ट्रिप वाला आपको आपको पता है हमने अमिताभ बच्चन को गुजरात में सब जगह देख लिया अभी हमें देखना है ना हमें कल सुबह 8 बजे आ रहे हैं I personally thank you for accepting the invitation jointly from the government of Gujarat and India Tourism to be here. In fact, attention, Simran, smartphones across the world. तोड़ के आ गए हम पता क्या crash करने वाले हैं अभी birthday party crash कर बहुत भूख लगी है और हम लोग नहीं रुक सकते इतने बड़े-बड़े स्ट्रीट्स में चल खाना खाने चल घुस के दिखा देखते हैं घुसती है नहीं घुसती चलो बाय इट साउंड राइट बॉय ठीक है रुचिका यही तो कहा बोल छोटा This is unity in diversity. If you agree, one more time for all of these artists. Have a big round of applause. Thank you. दिना के बाद थोड़ी देर बैठी मैं उनके साथ और अब मैं आ गई हूँ 11-12 बज गई है 12 बज गई है हाँ और सुबह 6:30-7 बजे उठा है 6 बजे कहते 6:30 बजे ब्रेकफास्ट है एंड 7:30 विल हैव टू लीव तो काफ़ी जल्दी उठना पड़ेगा तो क्योंकि एक दिन की तो नींद पूरी नहीं है बेसिक था तनंद की लाइफ तो अभी सोया जाता है आई होप आपको आज का पसंद आया वो व्लॉग अभी तो आज तो कुछ मतलब बस फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस अकेले वाला और मतलब थोड़ा सा गुजरात है और थोड़ा क्या हुआ इनोग्रेशन जो था गुजरात टूरिज्म मतलब वो जो आज हमें काफ़ी कुछ बताया गया मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया ये सब था कल से हम घूमेंगे एक्चुअली कल हमारा स्टार्ट होगी जर्नी नेक्स्ट 6 डेज के लिए तब देखेंगे कैसा है गुजरात आपको भी दिखाती होगी अपना एक्सपीरियंस आई होप आपको सुनाया व्लॉग अच्छा लगा शेयर करो ना सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी हंसते करना है